सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 4.4 लगाने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 4 क्लास 9th का। और ये जनरली इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। बहुत आसानी से हमने सारे एक्सरसाइजेस कर लिए, बहुत आसान ये चैप्टर था। आफ्टर डैट इसका अब हम एंड करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.4 को पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा चीजों को, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लगाना, ठीक है। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरीके के इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जो लाइन बनेंगे उसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे और सॉल्यूशंस से जो लाइन बनेंगे, या तो वो एक्स के पैरेलल होगा या तो वो वाई के पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो कोई लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उसका जब सॉल्यूशन आप निकालोगे और जब पुट करोगे, तो आप देखोगे जो लाइन बन के आएगा वो लाइन या तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा इस तरीके से, ठीक है, या तो वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। क्लियर है? वो ऊपर भी बन सकता है, वो नीचे भी बन सकता है। उसी तरीके से जो आपका ये वाई के पैरेलल वाली लाइन है, वो इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल है, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है हमारे तरफ से, 2x plus 3 is equal to x minus 3, and represent the solution number line पे और कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? सो 2x plus 1 is equal to x minus 3, तो यहाँ पे देखोगे ये वन वेरिएबल का ही इक्वेशन है ना, क्योंकि इसमें दूसरा वेरिएबल है नहीं x के अलावा, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। x x वाले को एक तरफ कर लो, ठीक है, और बिना x वाले को एक तरफ कर लो। मैंने इस तरीके से कर लिया, तो 2x माइनस एक्स हो गया x माइनस 3, और प्लस 1 जब इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 4। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई माइनस 4। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लें। तो ये ग्राफ देख लीजिए, ये हमारा सेंटर हो गया 0, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर निगेटिव माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। तो x की वैल्यू माइनस 4 आया है, तो नंबर लाइन पे किस तरीके से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये हमारा जो गिवन इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस 4। तो हम x नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू माइनस 4 पे हम पॉइंट लगाकर इस तरीके से शो करा देंगे, एरो बनाकर, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपका पहला जो है ये तो खत्म हो गया। कार्टेशियन प्लेन पे अब बताना है। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए गाइज, हम हमेशा जानते हैं हमें x के साथ साथ y की भी वैल्यू चाहिए होती है ना, x के साथ साथ y की भी वैल्यू चाहिए होती है। कार्टेशियन प्लेन में x और y एक्सिस दोनों होते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन आया था x इज इक्वल टू माइनस 4, तो क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। किस तरीके से? x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये लीजिए, ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल इक्वेशन में, हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू हमेशा माइनस 4 ही आएगा, है ना। तो अपन लिख सकते हैं, अब ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैंने बनाया, इसके खूब सारे सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बना लेता हूँ x और y। जैसे कि हमें पता है y की वैल्यू हम कुछ भी रखें, x हमेशा 4 ही है, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तब भी x माइनस 4 आएगा, y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तब भी x का वैल्यू माइनस 4 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गया, क्या क्या, माइनस 4, 0, और एक मिल गया माइनस 4, 2। और भी इनफाइनाइट आप ले सकते हो, ठीक है, हमारे दो से काम हो जाएगा। अब मैं कार्टेशियन प्लेन बनाया x एक्सिस, और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला क्या है, पहला है हमारा माइनस 4, 0, x पे माइनस 4 जाइए, तो x पे मैंने माइनस 4 गया और 0, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया दिस, माइनस 4, 0। दूसरा क्या है, x पे माइनस 4 जाना है y पे 2, तो x पे माइनस 4 और y पे 2, ठीक है, ओके, y पे 2, y पे 2 गए हम और x पे माइनस 4, तो ये पॉइंट मिल गया। ओके, तो हमारा तो ये दो पॉइंट मिला, इन दोनों को आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर दीजिए, तो इस तरीके से पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये लाइन जो है किसके पैरेलल है,
वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो किसी भी वन वेरिएबल को, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो वन वेरिएबल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वन वेरिएबल में क्या मैं इसको y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? वन वेरिएबल। और टू वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं? टू वेरिएबल में 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा वन वेरिएबल में और ये हमारा हो गया टू वेरिएबल में। बस इतना ही करना है आपका, यही आंसर है। ओके, आगे देखते हैं इसको, देखिए। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन 2x+9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। ओके, एक चीज और छूट गया इस क्वेश्चन में। ये तो हमारा आंसर आ गया है, इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है, जो ये था, इसको अगर हम ग्राफ में बनाएं तो वन वेरिएबल का जो ग्राफ, इसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। वन वेरिएबल वाले को नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे मैं इसको शो कर दूंगा इस तरीके से, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, दिस इज -1 -2 -3। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो y इज इक्वल टू 3 पे इस तरीके से लगा के आप लिख दो, ये वन वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो है टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कार्टेशियन प्लेन पे होगा, जाहिर सी बात है ना। कार्टेशियन प्लेन के लिए वैल्यू कहां से लाएंगे? तो क्या है, वाई इसका इक्वेशन बना है। अब इसको, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस इक्वेशन पे इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, वाई जो है हमेशा 3 आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 0x+y = 3, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y हमेशा 3 आएगा। x की वैल्यू 0 पे भी 3 आएगा और x की वैल्यू 2 पे भी 3 ही आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो x 0 पे y 3 चले जाइए, 1 2 3 लीजिए, ये मिल गया हमें 0,3, ठीक है। और x 2 पे y 3, x 2 पे 1 2, x 2 पे y 3, ठीक है। तो हमें यहाँ कहीं मिलेगा, इसको मिटाने दो पहले यहाँ से, ठीक है। तो 1 2, दिस इज 1 2 3, तो x 2 पे, ये x की एक्सिस है, ये y की है, x 2 पे y 3, तो ये कुछ इस तरीके से है ना, ये जो पॉइंट है ये है हमारा। तो ये जनरली किस तरीके का, इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा क्या, 0x+0 × x + y = 3, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 2x+9 = 0। तो अगर मैं इसको 2x+9 = 0 को x की वैल्यू निकालूं, तो 2x = हो जाएगा -9 और x की वैल्यू हो जाएगी -9/2। चाहो तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज -4.5 आपका आएगा। ओके, और इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और एक और ले ले -5, तो -4.5, 4.4 और 5 के बीच में मिलेगा, या एकदम यहाँ सेंटर पे ये पॉइंट जो है, दैट इज -4.5, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। और टू वेरिएबल की करेंगे तो टू वेरिएबल का कैसे हो जाएगा? टू वेरिएबल का ऐसा कुछ हो जाएगा, 2x+0 × y = -9, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा टू वेरिएबल का हो गया, इक्वेशन बना दिया हमने, लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख दिया, तो ये इक्वेशन बन गया। इसका सॉल्यूशन लिखें, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, y x और y, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x जो है हमेशा -4.5 ही आएगा, है ना, यही आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो? इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा आपको सीधे बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट टेक्निक, कुछ नहीं करना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे एक्स है, ये वाई है, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5, ये हमारा है, ठीक है, 4.5।
तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, जीरो ले लो चाहे टू चाहे थ्री कुछ भी ले लो, एक्स हमेशा जो है वो कहाँ रहेगा, यहीं पे स्टिक रहेगा 4.5 पे, है ना। ये जो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। अब वाई की वैल्यू आप टू ले लो, ठीक है, वाई की वैल्यू आप फोर ले लो, चाहे वाई की वैल्यू -2 ले लो, चाहे वाई की वैल्यू -4 ले लो, ठीक है, ये लाइन हमेशा बनेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आशा करता हूँ चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 4.4 में इतना ही आपको बस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।